ऑक्सीडेशन स्टेट जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में कौन ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन रिड्यूस्ड, ये हमें पता लगता है ऑक्सीडेशन स्टेट से। इस वीडियो में आइए जानते हैं कि ऑक्सीडेशन स्टेट इजीली कैलकुलेट करने की क्या टेक्निक्स हैं। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेटेड ये बातें आपको याद रखनी है। ग्रुप वन मेटल्स या एल्कलाई मेटल्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस वन होगी और ग्रुप टू मेटल्स या एल्कलाइन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा प्लस टू होगी। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा माइनस वन होगी। ये तीनों नंबर्स आपको याद रखने हैं क्योंकि ये हमेशा एप्लीकेबल होंगे विदाउट एनी एक्सेप्शन। ग्रुप वन मेटल्स जैसे सोडियम लिथियम, इनके लिए प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है। ग्रुप टू मेटल्स जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम जो कि एल्कलाइन मेटल्स भी होते हैं, इनके लिए हमेशा प्लस टू लेनी है। और ग्रुप 17 में फ्लोरीन की हमेशा विदाउट एनी एक्सेप्शन माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली माइनस टू होगी। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे परऑक्साइड्स लाइक H2O2, Na2O2 एंड फ्लोरीन का कंपाउंड F2O जो हम आगे डिस्कस करेंगे। केवल इन केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस वन होगी, अदरवाइज ये हमेशा माइनस टू लेनी है। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी मोस्टली प्लस वन होती है, लेकिन केवल और केवल मेटल हाइड्राइड्स के केस में जैसे सोडियम हाइड्राइड लिथियम हाइड्राइड, इन केसेस में ये माइनस वन लेनी होती है। क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली माइनस वन होती है, लेकिन जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आ जाते हैं कंपाउंड में, यानी फ्लोरीन का कंपाउंड है क्लोरीन के साथ या ऑक्सीजन का कंपाउंड है क्लोरीन के साथ, उन केसेस में इसकी वैल्यू अलग आती है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करने के क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल है, जब कोई एटम अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है यानी किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं है, उस केस में हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होगी। जैसे ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म O2, क्लोरीन की Cl2, सल्फर की S8, जिनॉन XE, इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो है। रूल नंबर टू कहता है, अगर किसी कंपाउंड के सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को ऐड करें तो वो वैल्यू उस कंपाउंड पर कितना चार्ज है उसके इक्वल होनी चाहिए। इसीलिए न्यूट्रल कंपाउंड जिन पर कोई चार्ज नहीं होता, जीरो चार्ज होता है, उन केसेस में सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को सम करने पर जीरो मिलता है। जैसे सोडियम क्लोराइड की बात करें, यह एक न्यूट्रल कंपाउंड है, सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है प्लस वन एंड क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है माइनस वन, दोनों का सम जीरो आ गया। इसी तरह आयंस में सभी एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम उस आयन पर जो चार्ज है उसके बराबर होगा। जैसे सल्फेट आयन की बात करें तो एक सल्फर और चार ऑक्सीजन एटम्स की ऑक्सीडेशन का सम माइनस टू के बराबर होगा क्योंकि सल्फेट आयन पर चार्ज माइनस टू है। अब कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा। डाइक्रोमेट आयन का एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाना है। अब हमें सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम करना है और उसको इस आयन पे जो चार्ज है माइनस टू उसके बराबर इक्वेट करना है। एक क्रोमियम एटम का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एन माने तो दो क्रोमियम एटम के ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम होगा एन प्लस एन यानी 2n। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमने देखा है माइनस टू होता है। अगर 7 ऑक्सीजन है तो उनका सम होगा माइनस टू टाइम्स 7। इस तरह हम इक्वेशन लिख सकते हैं 2n प्लस माइनस टू टाइम्स 7 इक्वल्स टू द चार्ज ऑन द आयन विच इज माइनस टू। यहां से हमें मिल जाएगा n की वैल्यू प्लस 6। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस 6। एक एग्जांपल और देखते हैं, ट्राइसोडियम फॉस्फाइट। यहां फॉस्फरस का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? हमें पता है सोडियम का तो 100% प्लस वन होगा, ऑक्सीजन का माइनस टू होगा। फॉस्फरस का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट एन मान लें तो लिख सकते हैं 3 फॉर सोडियम प्लस एन फॉर फॉस्फरस
प्लस 3 टाइम्स माइनस 2 फॉर ऑल द ऑक्सीजन। इसको इक्वेट करना है 0 के बराबर, क्योंकि हमारा कंपाउंड एक न्यूट्रल कंपाउंड है। यहां से n की वैल्यू आ जाती है प्लस 3। रूल नंबर 3 की बात करते हैं, किसी कंपाउंड में जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगा, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पीरियोडिक टेबल में टॉप राइट में सबसे ज्यादा होती है और बॉटम लेफ्ट जाते जाते कम होती जाती है। 5 एलिमेंट्स जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है वो है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। ये आप याद रखिए, मोस्टली ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है, लेकिन फ्लोरीन के साथ जब ये कंपाउंड बनाता है जैसे F2O, इसमें ये -2 नहीं होती है। फ्लोरीन ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट नेगेटिव होगी और ऑक्सीजन की पॉजिटिव। इस केस को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब कंसीडर करते हैं सोडियम हाइड्राइड। हमने देखा था कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली +1 होती है, लेकिन मेटल हाइड्राइड्स के केस में ये -1 होती है, क्योंकि ग्रुप 1 एलिमेंट्स यानी सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होगा। तो इस केस में न्यूट्रल कंपाउंड है, इसीलिए सोडियम के +1 को कैंसल आउट करने के लिए हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्टली -2 होती है, लेकिन परऑक्साइड्स एंड F2O के केस में ये अलग होती है। हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें, H2O2 में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है, क्योंकि H2O2 एक इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कंपाउंड है, इसीलिए सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम 0 होगा। क्योंकि हर हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो हर ऑक्सीजन की -1 होनी चाहिए उन्हें बैलेंस करने के लिए। इसीलिए H2O2 के केस में या किसी भी और परऑक्साइड के केस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 नहीं होगी, -1 होगी। F2O के केस में क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन से, इसीलिए फ्लोरीन को प्रायोरिटी देंगे और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगा, इसी वजह से ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। इसी तरह अगर क्लोरीन एंड ऑक्सीजन के कंपाउंड देखें तो प्रायोरिटी ऑक्सीजन को मिलेगी, और अगर क्लोरीन मोनोऑक्साइड देखें तो इसके अंदर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 नहीं होगा, +2 होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए, आपको क्रोमियम का एक कॉम्प्लेक्स दिया गया है वाटर के साथ। यहां याद रखें, वाटर और अमोनिया दोनों एक न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं और इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का सम 0 होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट की कैलकुलेशंस में आप इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। इस केस में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर n माने तो n की वैल्यू +3 के बराबर होगी, क्योंकि H2O का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है और इस आयन पे चार्ज +3 है। एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का एग्जांपल और लेते हैं। इस कॉम्प्लेक्स में अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर वाले एटम को देखेंगे। क्रोमियम का हमें पता है ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होता है, तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स का टोटल +1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि पूरा कंपाउंड न्यूट्रल है। अमोनिया का हमने देखा था 0 होगा। कार्बोनेट आयन पर हमेशा -2 चार्ज होता है, तो अगर कोबाल्ट का एन माने तो हम लिख सकते हैं ये वाली इक्वेशन। यहां से हमें n की वैल्यू +3 मिल जाती है। हमने कार्बोनेट पर चार्ज -2 लिया। कार्बोनेट एक पॉली एटॉमिक आयन है और इस पर हमेशा -2 चार्ज होता है। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट आयन्स हैं जिन पर चार्जेस आप याद रख सकते हैं, जैसे सल्फेट आयन पर -2 चार्ज होता है। कुछ इंपॉर्टेंट आयन्स के चार्जेस आपको इस टेबल में दिए गए हैं। अगर कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन पता लगाना है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, क्योंकि सल्फेट आयन का चार्ज -2 होता है, तो कॉपर पर चार्ज होगा +2, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है और इसीलिए कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +2। लास्ट में एक रूल और मैं आपको बताऊंगा जिसे आप याद रखिए, अगर दो एलिमेंट्स वाला या जिसे बाइनरी भी कहते हैं ऐसे मेटल कंपाउंड्स हैं तो हमेशा ग्रुप 17
यानी हैलोजेंस की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। फ्लोरीन, क्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की बाइनरी मेटल कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लेनी है। ग्रुप 16 यानी ऑक्सीजन फैमिली की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होगी, जैसे ऑक्सीजन की -2, सल्फर की -2, ये हमेशा -2 रहेगी अगर हम बात कर रहे हैं बाइनरी मेटल कंपाउंड्स की। ग्रुप 15 यानी नाइट्रोजन फैमिली की हमेशा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट -3 लेनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आयरन सेकेंड क्लोराइड की बात करें, यहाँ रोमन डिजिट मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट बताती है। यहाँ आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, इसे फेरस क्लोराइड भी कहते हैं। ऐसे ही आयरन थर्ड क्लोराइड में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, इसे फेरिक क्लोराइड भी कहते हैं। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए IC से एंडिंग करते हैं और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए OUS से एंडिंग करते हैं। ध्यान दीजिए, क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों ही केसेस में -1 है। दो एग्जांपल और देख लेते हैं, टिन सेकेंड ऑक्साइड एंड टिन फोर्थ ऑक्साइड, इन दोनों केसेस में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। कुछ फेमस बाइनरी कंपाउंड्स की लिस्ट आपको दी गई है, आप इनमें एटम्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को एनालाइज कर सकते हैं। इस तरह एक बार फिर आपके लिए मैं लिस्ट डाउन कर देता हूं 7 रूल्स ऑफ फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी कंपाउंड। इन्हें आप याद रखिए और वीडियोस में दिए एग्जांपल्स एक बार वापस से देखिए, और मैं ये दावा करता हूं कि आपको फिर कभी किसी एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट पता लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर कर लें, और हां, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।